यशकाय को अमृत्व देकर है नमन उनको, जो यशकाय को अमृत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए है नमन उनको, जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर वे आसमानी हो गए। महादेव के चरणों में वंदन करते हुए अरुणाचल की पावन गोद में स्थित श्री स्वामीनारायण उच्च माध्यमिक विद्यालय धारा से 72वें गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जी हां साथियों, ये जो अमर शहीदों ने बलिदानों के बीच इस थे, आज उनकी टहनियों पर मदमदाते फूल खिल आए हैं। इन फूलों की महक इस देश में ही नहीं सारे संसार में फैले ऐसी कामना करते हैं। इससे पहले कि कार्यक्रम का आगाज किया जाए, एक बार अतिथियों का परिचय करा दूं। हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में मौजूद हैं संस्था सचिव श्री जिग्नेश जी पटेल, आदि विराजमान है स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री श्री परमार साहब। कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए अतिथिगण को आमंत्रित कि दीप प्रज्वलन एवं ध्वजारोहण का दीप कोई जलाओ ऐसा, अंधकार को दीप दूर भगाए, दीप कोई जलाओ ऐसा, अंतरतम प्रदीप्त हो जाए, दीप कोई जलाओ ऐसा, आओ सब मिलजुल कर दीप कोई जलाओ ऐसा। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं ध्वजारोहण के लिए आमंत्रित करता हूं संस्थान सचिव श्री पटेल साहब। लागू करके भारत एक लोकतांत्रिक देश बना था।
मैं ईसाई विद्यालय के प्रधान आचार्य श्री पी सी परमार साहब को आमंत्रित करता हूँ कि आप गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर मार्गदर्शन करें। मैं इस बात पर गणतंत्र दिवस पर आप सबको शुभकामना देता हूँ। आपका विद्यालय रंगीन स्वागत है, अभिनंदन। वर्तमान में COVID-19 के महामारी से पूरा विश्व भयभीत है, आतंकित है और इस COVID-19 के कारण से राज्य सरकार ने भी विद्यालय संचालन पर पाबंदी लगा रखी थी। वर्तमान COVID-19 की स्थिति को कंट्रोल में देखते हुए राज्य सरकार ने 18 जनवरी से अभिभावकों से विशेष अनुरोध है कि जब भी विद्यालय के द्वारा पीकेएम की मीटिंग रखी जाती है आप लोग आए और विद्यालय की व्यवस्था को भी देखें और यदि आपको उसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता महसूस करते हैं या उस किसी तरह के मार्गदर्शन आप देना उचित समझते हैं तो आप दें। मास्क के लिए सभी अध्यापक प्लस कर्मचारी अपना मास्क साथ में रखे, बिना मास्क के कोई भी विद्यालय में नहीं जाना। छात्रों से एक चीज और कहना चाहूंगा मैं कि आपके पास जो मोबाइल है उस मोबाइल को लेकर के आप विद्यालय में नहीं आओ। आपके पाठ्यक्रम में संशोधन कर दिया गया है, नवीन पाठ्यक्रम जो भी परीक्षा से संबंधित है उसकी जानकारी आपको दे दी गई है, उसी के अनुरूप आप परीक्षा की तैयारी करें। कक्षा 9 से 12 के अंतर्गत 20% आपके 17 के मार्किंग है और बाकी जो आपका एग्जाम होगा उसमें 10वीं और 12वीं के एग्जाम जो हैं वो 15 मई से 15 जून के मध्य संचालित रहेंगे और सरकार की ये कोशिश रहेगी कि जून के अंत तक रिजल्ट देकर के और जुलाई 21 से नया सत्र प्रारंभ किया जाए। इसी प्रकार से जो लोकल एग्जाम्स हैं कक्षा 9, कक्षा 11 और कक्षा 3 से कक्षा 8 इनके अंतर्गत भी इनकी परीक्षाएं जो है जून के प्रथम सप्ताह में प्रारंभ होकर के और इसका रिजल्ट जो है 15-20 जून तक दे दिया जाएगा। अर्थात जो जून महीने की कक्षाओं का है वो इस सत्र में नहीं रहेगा,
सारा कार्य संपादित होने के बाद में जुलाई 21 से नया सत्र 21-22 जो है वो विधिवत प्रारंभ कर दिया जाएगा। छोटी कक्षाएं हैं उनके लिए सत्रांत की व्यवस्था अलग की गई है, आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है, जिनके लिए इनको होमवर्क विश्वविद्यालय से दिया जाएगा, उस होमवर्क को इनको करना है और साथ में एक वर्क नोटबुक तैयार कर ली जिसकी दिशा निर्देश और जिसकी जानकारी विद्यार्थियों को विद्यालय में दे दी गई। मैं पुनः अभिभावकों से निवेदन करूंगा कि जब भी समय मिलता है आप विद्यालय में आवे, विद्यालय की व्यवस्था को देखें और इसमें यदि आप कुछ महसूस करते हैं संशोधन तो आपका जो संशोधन है वो स्वीकार्य है, स्वागत देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद परमार साहब। स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री पीसी परमार साहब ने गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर पर्व की महत्ता और इस समय विश्व में जो COVID-19 महामारी फैली हुई है इस संदर्भ में इन्होंने सरकार द्वारा विद्यालय संचालन के बाबत में गाइडलाइन का पालन करने बाबत जानकारी दी। धन्यवाद। हमें गर्व है कि हम उस राष्ट्र के नागरिक हैं जो विविध भाषा भौगोलिक विभिन्नता विभिन्न धर्मों का पालन करने के बाद भी हम एक हैं। आज हमारा देश विश्व के शक्तिशाली राष्ट्रों के सामने एक मजबूत स्थिति में है। शिक्षा सुरक्षा विज्ञान कला संस्कृति और लगभग हर क्षेत्र में हमने अपने आप को एक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। राष्ट्र की सुरक्षा में तैनात हमारे जवान सैनिक कला विज्ञान साहित्य खेल आदि के क्षेत्र से जुड़े सभी लोग अपनी क्षमता अनुसार योगदान दे रहे हैं। COVID-19 ने जहां सारे विश्व के सामने एक गंभीर चुनौती पैदा की थी लेकिन देश के कोरोना योद्धाओं की मेहनत व चिकित्सा तथा विज्ञान के क्षेत्र में जुटे हुए कर्मवीरों की बदौलत भारत की वैक्सीन ने इस चुनौती और वैश्विक महामारी पर नकेल कस ली है। हम सभी भारतवासी 72वें गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर यह संकल्प लेते हैं कि एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करेंगे जहां सभी लोगों को उन्नति के समान अवसर देते हुए अखंड व सशक्त राष्ट्र के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाएंगे। अंत में दो पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को मैं यही विराम देना चाहूंगा कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले वतन पर मिटने वालों के बाकी यही निशा होंगे। जय हिंद। जय भारत।